नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर जनपद में लगातार गुलदार और बाघ के आतंक देखने को मिल रहे हैं, जहां हाल ही में एक नरभक्षी गुलदार द्वारा मंदिर जा रही युवती के ऊपर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया गया था। तो वहीं ग्रामीणों और भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के प्रदर्शन के बाद वन विभाग ने आनन फानन में जंगल में ट्रैप कैमरा और पिंजरा लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और नरभक्षी गुलदार को रिहायशी इलाके से दूर अमानगढ़ वन रेंज क्षेत्र में छोड़ा गया। उधर वन विभाग के एसटीओ अंशुमान मित्तल ने बताया कि मार्च महीने के अंत तक जंगली जानवरों का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दिनों गन्ने की कटाई होती है तो जंगलों से जंगली जानवर निकलकर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन वन विभाग द्वारा लगातार ग्रामीणों को आगाह करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और उन्हें जागरूक कर जंगली जानवरों से कैसे बचे इसके लिए कई तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं। जो गुलदार रात हमने इसके लिए पिंजरा लगाए गए थे, चार पिंजरे हम लोगों ने किरतपुर गांव में लगाए थे, तो उसमें रात एक पिंजरे में गुलदार ये पकड़ लिया गया था 10:30 बजे। फिर हम इसको बिजनौर रेंज ले आए थे रेस्क्यू करके। अब आज सुबह हमने चिकित्सा परीक्षण के बाद इसको अमानगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। वहाँ पे जसपुर पक्ष संख्या 1C में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। सर, गुलदार का आतंक गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है, वन विभाग द्वारा क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? वन विभाग द्वारा इसके लिए लोगों को पूरा जागरूक किया जा रहा है। गुलदार से बचने के उपाय के लिए पैम्पलेट हमने वितरित किए हैं, क्या करें क्या ना करें लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लोग अकेले खेतों में ना जाएं, हथियार लेके जाएं अपने साथ, लाठी वगैरह अपने साथ रखें, ग्रुप में जाएं, और सोच के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो टॉयलेट्स का प्रयोग करें और मेन सुबह को 5 बजे से 8 बजे तक ना जाएं और संध्याकालीन में 5 बजे के बाद में खेतों की तरफ ना जाएं, क्योंकि फरवरी मार्च में गन्ना कटाई के दौरान गुलदारों के निकलने की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त वन विभाग भी अपना प्रयास कर रहा है, जगह जगह पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको हमने चिन्हित किया है, वहाँ पर हमने अपने पिंजरे लगाए हैं, ड्रोन द्वारा भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके अलावा हमने कैमरा ट्रैप भी लगाए हैं जिससे उनका मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा सके, और इसके लिए हमने टीमें गठित की हैं जो दिन रात वहाँ पे गश्त कर रही है। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।